आज हम जो है विस्कोसिटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्लिसरिन की विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें जो एपरेटस चाहिए वो एक तो ग्लास ट्यूब हमें चाहिए, ग्लिसरिन चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए और लेड बॉल्स चाहिए छोटी छोटी। लेड हम इसलिए लेंगे कि वो ग्लिसरिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये ग्लिसरिन लिया है हमने बीकर में, ये लेड शॉट्स हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज, ये फोर्सेप है। इसकी हेल्प से हम जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज अभी मैंने आपको दिखाई उनको हम जो है इससे पिक करेंगे। ये जो स्क्रू गेज है इसकी हेल्प से हम स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है उसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ग्लास ट्यूब लिया। ये ग्लास ट्यूब के साथ हमारा जो है मीटर स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, उसी के साथ पैरेलल में आपका ये मीटर स्केल है। इस ग्लास ट्यूब को हमने 3 डिफरेंट पोजीशन पे मार्क किया हुआ है। फर्स्ट पोजीशन हमने 20 सेंटीमीटर पे मार्क किया है और लास्ट जो थ्रेड है वो हमारा 70 सेंटीमीटर पे है। टोटल डिस्टेंस आपका हो जाता है 50 सेंटीमीटर। जो ये बीच का थ्रेड है ये एग्जैक्ट सेंटर में है। ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट मार्क से लेकर के और ये बीच वाला, ये 25 सेंटीमीटर है, और बीच वाले मार्क से लेकर के जो नीचे वाला मार्क है ये 25। तो ये दोनों जो डिस्टेंस हैं ये इक्वल हैं, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करनी होंगी। सबसे पहले हमें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, थर्मामीटर का लीस्ट काउंट और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होगा। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। जो थर्मामीटर हम यूज़ करेंगे उसका लीस्ट काउंट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम सेंटीग्रेड थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं और जो स्टॉप वॉच हम यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। 0.1 सेकेंड निकालने के लिए ये जो स्टॉप वॉच है आप देखिएगा, इसमें एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 30 सेकेंड्स का है। ये जो स्टॉप वॉच हम यूज़ कर रहे हैं आप देखिए, इसमें जो ऊपर ये नॉब दिया हुआ है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, और अगेन हम तीसरी बार इसको प्रेस करेंगे तो ये फ्लाई बैक होके 0 पे सेट हो जाएगा। अब हमें इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए, इसमें दो तरह की मार्किंग्स हैं, एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में। जो रेड कलर की मार्किंग है वो आपकी 31 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, और जो ब्लैक कलर की मार्किंग है वो 1 से लेकर के आपका 30 तक जा रहा है। तो 2 रोटेशंस में ये 1 मिनट कंप्लीट करेगा। इसका लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेकेंड है। और अब इसके बाद हम इस ट्यूब को ग्लिसरिन से फिल करेंगे। इसको जो है हमें ग्लिसरिन को इस ट्यूब में इस तरह से पोर करना है कि जो ग्लिसरिन है उसमें बबल फॉर्मेशन ना हो। अगर आप बबल फॉर्मेशन होगी तो आपको ऑब्जर्वेशन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इसको जो है जेंटली जो है इसमें ग्लिसरिन को डाला। और हमने इसको जो है इसके टॉप लेवल तक फिल करना है। ग्लिसरिन हमारी पूरी टॉप तक फिल हो गई है ट्यूब में। उसके बाद हमने स्क्रू गेज से जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने फोर्सेप्स से पिक किया। और स्क्रू गेज के दोनों जॉज के बीच में हमें ये स्फेरिकल बॉडी इस तरह से प्लेस करना है। अगर हम इसे वर्टिकल ना रख के अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल रखते तो ये आपका स्फेरिकल बॉल इस पे नहीं ठहर पाता।
इसलिए हमने जो है स्क्रू गेज की पोजीशन वर्टिकल रखी है। ये क्लिक कर गया, इसके बाद दोनों जॉज आपस में मिल गए और अब हम जो रीडिंग नोट डाउन करेंगे वो है 3.48। इस ट्यूब में हमने ग्लिसरिन फिल कर दिया है, इसके बाद हम सेंटर में इसके जो है लेड शॉट्स को ड्रॉप करेंगे। उन लेड शॉट्स का हमने डायमेंशन फाइंड आउट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब एक एक करके हम जो है इनको सेंट्रली ड्रॉप करेंगे और टाइम नोट डाउन करेंगे। अब हमने इसको सेंटर में रख के बहुत धीरे से जो है ड्रॉप करना है। नीचे आ जाएगा, नीचे कहाँ है जो ऊपर वाला टाइमर है वो आप देखिए, ऊपर वाले डिस्टेंस को उसने जो है टाइम नोट डाउन किया है जो कि 3.2 सेकंड दिखा रहा है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइमर है वो नीचे वाले डिस्टेंस का टाइम नोट डाउन करके 3.2 सेकंड ही बता रहा है। इसका मतलब दोनों डिस्टेंसेस का टाइम जो ट्रेवल हुआ है वो सेम हुआ है और जो बॉल है आपका वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ गया। बाकी चार बॉल्स के लिए भी हम इसी तरह से जो है परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हमने जो है अपनी ये पांच रीडिंग्स कंप्लीट की और अब हम इसका टेम्परेचर लिक्विड का नोट डाउन करेंगे। इस टाइम पे जो रूम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और अब इस लिक्विड का टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे। हमने इस थर्मामीटर का बल्ब इस लिक्विड में डिप किया। अब देखिए आया, जैसे कि हमने देखा हमारा जो थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट डाउन हुआ है वो भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि रूम टेम्परेचर के ही बराबर है।